नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक और कनिष्ठ सहायक का पद जारी कर दिया गया, विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस बार जो पदों की संख्या है काफ़ी अच्छी है, लगभग 3800 पद है। इससे पूर्व में एक कनिष्ठ सहायक का लगभग 1200 पद पे भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है, जिसका पेपर आपका कुछ ही दिन में होने वाला है। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, इसका विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 4/8 यानी आज ही है और फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ जो होगा वो 12 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम तिथि ध्यान रखिएगा 3 है। किसी शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो 10/10/2023 है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन कौन से पद आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इसके अंतर्गत पद आए हुए हैं। तो इसमें कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ स्तर 3rd मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022-07 के अंतर्गत ये रहेगा और इसमें टोटल देखा जाए तो 3768 पद इनके हैं, कनिष्ठ सहायक के, कनिष्ठ लिपिक के और कनिष्ठ स्तर 3 के रहेंगे। उसके बाद कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 63, जो विशेष चयन वाला है उसके आपके 63 पद रहेंगे। कुल मिला के 3831 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को पता होगा कि इसका जो पैटर्न है वो बदल गया है इस बार से, ठीक है। पैटर्न जो है वो इसका जो एग्जाम पैटर्न था उससे पूर्व वाले से हटके इस बार नया पैटर्न आया है। नया पैटर्न भी आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने इस बार के फॉर्म में पैटर्न भी जो सिलेबस और पैटर्न है वो लगा के दिया है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैटर्न क्या है। तो इसका जो पैटर्न है इसमें हिंदी सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर को 15 नंबर अलग से जोड़ा था और उत्तर प्रदेश का 20 नंबर अलग से जोड़ा गया था। अभी 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 100 जो कुल अंक हैं 100 होंगे, 120 नंबर का इसका जो टोटल 120 मिनट का होगा। एक क्वेश्चन एक नंबर का है और 0.25 जो है उसका निगेटिव है। पाठ्यक्रम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी पाठ्यक्रम जैसे यूपी ट्रिपल एससी देता है, हिंदी का सामान्य, हिंदी सामान्य बुद्धि परीक्षण में सामान्य लिख के कुछ भी पूछते हैं। सामान्य जानकारी में इन्होंने बोला है प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उनकी सामान्य जानकारी। इतना आप समझिए कि यूपी ट्रिपल एससी का पद ये डिपेंड नहीं करता कि आप कनिष्ठ सहायक के पद देने जा रहे हो, आप पीईटी की परीक्षा देने जा रहे हो या फिर आप लोअर की परीक्षा देने जा रहे हो। ये बिल्कुल अनएक्सेप्शनल देते हैं, पूरा बोल सकते हो कि इसमें कनिष्ठ सहायक में भी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस लेवल का पूछ देते हैं, जीएस स्तर पे, और कई बार रीजनिंग वगैरह भी टफ पूछते हैं। आपने वीडियो वगैरह में भी देखा होगा तो पेपर का स्तर इनका अच्छा होता है। नो डाउट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है यूपी ट्रिपल एससी के इन मुख्य परीक्षाओं में। अब सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो पीईटी के अंतर्गत लेके आते हैं तो एक तो बाकी बच्चों का नुकसान होता ही होता है, बट इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी क्योंकि लगभग 4000 पद हैं तो आप ये मान के चलो पीटी 2022 के अंतर्गत ही आ रहा है, तो आप लेखपाल से थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो, उसके इर्द गिर्द रहेगा। हालांकि लेखपाल में 8000 पद था तो उसका लगभग 64 नंबर पे किया गया था, इसका लगभग 68 से 70 नंबर के बीच में जिन बच्चों का नंबर होगा वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होने के यहाँ पे चांसेस हैं, इस बात को समझिएगा। प्लस जो बच्चे कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे यही गुजारिश रहती है कि अब आप एक जगह सेलेक्ट हो गए हो तो अन्य बच्चों को भी बैठने दो। ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी ऐसा कर रखा है कि बाकी एक ही बच्चे को बार बार मौका मिलता है, तो वो नहीं समझ रहा है तो आप लोग तो कम से कम समझो जो बच्चे कहीं सेलेक्ट हो गए हैं इससे ऊँचे पद पर, इससे नीचे पद पर हैं तो बात अलग है ना। अगर इससे ऊँचे पद पर हैं तो मुझे लगता है कि इस फॉर्म को थोड़ा सा स्किप कर देना चाहिए। बाकी आपके दो दो कनिष्ठ सहायक की परीक्षाएँ लगी हुई हैं, एक परीक्षा तो आपके इसी महीने हो जाएगी और जो आपकी अगली परीक्षा, इसकी परीक्षा है वो आपका हो सकता है दिसंबर या फिर जनवरी 2024 में आपकी जाके इसकी परीक्षा हो, तो समय आपका जो होगा भी 3 से 4 महीना मिलेगा, ये बहुत जल्दी नहीं होगा क्योंकि बीच में इनको पीटी भी कराना है और पीटी के बाद ही ये कनिष्ठ सहायक की परीक्षा करा पाएंगे, समय भी मिलेगा। नया पैटर्न है तो नए हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। टीम परीक्षा प्लस आपके लिए कनिष्ठ सहायक के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है ताकि जो पुराने बच्चे हैं मतलब जो इस दे रहे उनको भी कुछ लाभ मिल जाए और इस 3800 जो पद आया है, 3800 पद है, इनके भी लाभ मिल जाए। एकदम नई टेस्ट सीरीज होगा जो अद्यतन पाठ्यक्रम पे जैसे अभी नया लेटेस्ट जो पैटर्न दिया है इस पे आधारित बनाया जाएगा और जैसे यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसी आधार पे आपको इसका टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज से हमारे जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम शुल्क में होगा, वो आपको अभी तो बता दिया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से दे दी जाएगी, बट आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका जो बैच मिलेगा टेस्ट सीरीज का, इसमें केवल
टेस्ट सीरीज आएगी, थोड़े बहुत हो सकता है नोट्स और टेस्ट सीरीज का बैच आपको लेके आए जो आपको मिनिमम शुल्क में मैक्सिमम आपको सफलता अर्जित कराए, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो कवर कराए और ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाए जो आपके एग्जाम में आए। तो एक गंभीरतापूर्वक ऐसी टेस्ट सीरीज को बनाया जाएगा। बाकी पीटी का भी आप लोग देखिएगा, पीटी भी आ गया तो पीटी की भी टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। 15 तारीख से इसके टेस्ट चालू हो जाएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कल या परसों में ही पीटी का भी चालू हो जाएगा। दोनों ही टेस्ट सीरीज हम लोग साथ में ले आएंगे, कॉम्बो भी ले आएंगे कि दोनों बच्चा अगर लेना चाहता है क्योंकि एक साथ ही तो उसको भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाए। पीटी 2023 का और ये जो परीक्षा पीटी 2022 के आधारित तो होने वाली है कनिष्ठ सहायक के 3800 और जो आपके 1200 पद वाली कनिष्ठ सहायक चल रही थी उसके लिए भी। तो उम्मीद है इससे आपको लाभ मिला होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि हम लोग का प्रयास कहीं ना कहीं चल रहा है कि कॉमन कट ऑफ लेके आया जाए, बट ये हमारे चाहने अकेले से नहीं होगा, आप लोग के भी सहयोग से होगा। और आप लोग भी बार बार जब भी आप लोग अधीनस्थ जाओ तो एक बार ये बात जरूर रखा करो कि सर अगर कॉमन कट ऑफ हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को लाभ मिलेगा इसका। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।